भाई, अभी हम पहुंचे हैं श्री काले हनुमान जी के मंदिर हवा महल जयपुर, और उसी के पास सब्जी पूरी और दाल पकवान की शॉप लगती है। आज वहीं का हम वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी दिलवाएंगे, सब्जी पूरी वगैरह का व्यापार कर मंथली इनकम कैसे प्राप्त की जाए। तो वीडियो को आप अंत तक देखना, आपको पूरी जानकारी दिलवाएंगे कि कब से वो ये व्यापार कर रहे हैं और कम पूंजी में ये व्यापार कैसे शुरू किया जा सकता है, जिससे मंथली ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें हम पूरी आपको जानकारी दिलवाएंगे कैसे सब्जी वगैरह तैयार की जाती है, कैसे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई जाती है, लोकेशन का कैसे ध्यान रखा जाता है, कस्टमर के साथ व्यवहार आपका किस तरीके का होना चाहिए, सभी बातें उसी पर डिपेंड करती है। यदि लोकेशन अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है और लोगों से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, मंथली इनकम भी अच्छी होगी। चलिए चलते हैं उनकी शॉप पर। बातरी अभी होतुल नाश्ता वालों के यहाँ पहुँचे हैं। देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं और कब से ये व्यापार यहाँ कर रहे हैं वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। ये देखिए इधर गर्मा गर्म नमकीन तैयार हो रही है। भुजिया तैयार हो रही है। ये देखिए दाल पकवान का टेस्ट करें, कैसा है भैया इनके यहाँ का दाल पकवान? एक नंबर। पहली बार आए हो, पहले भी आए हुए हो? रोज का काम है। ये देखिए पूड़ी सब्जी और दाल पकवान का व्यापार ये करते हैं यहाँ, और पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं काले हनुमान मंदिर जयपुर हवा महल वाली रोड पर। ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ, घर जैसी पूड़ियाँ मिलेंगी आपको। ये देखिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट घर जैसी पूड़ियाँ बन रही हैं। आलू छोले की सब्जी है, दाल पकवान के साथ दाल है, बहुत ही स्वादिष्ट। यदि एक बार आप होतू नाश्ता भंडार वालों की पूड़ी सब्जी दाल पकवान खाएंगे, बार बार इनके पास खाने के लिए आएंगे। ये काले हनुमान बालाजी मंदिर हवा महल वाली रोड पर पूड़ी सब्जी दाल पकवान का व्यापार पिछले 30 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। पचास साल बता रहे भाई साहब, पिछले 50 साल से काले हनुमान मंदिर हवा महल वाली रोड पर 50 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे से लेके 1-1.5 बजे तक ये शॉप लगाते हैं और लाइन लगती है ग्राहकों की जब ये शॉप चालू करते हैं। यदि आप लोगों को इनके यहाँ दाल पकवान पूरी सब्जी का नाश्ता करना हो तो समय से आएंगे तो ही आपका नंबर आएगा। ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही है घर जैसी। आलू छोले की सब्जी है, दाल है पकवान के साथ। ये देखिए आलू छोले की सब्जी और साथ में दाल पकवान और प्याज। गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं। जल्दी आओ जल्दी खाओ, वो स्थिति है यहाँ पर।
पूजिए बन रहे हैं गर्म पूजिए सॉफ्ट वाले सब सॉफ्ट वाले। इसकी सब्जी वगैरह भी बनती है क्या? हाँ हाँ चेक करके देखो सर। अच्छे हैं टेस्टी हैं टेस्टी। फुल गारंटी 15 दिन की फुल गारंटी 15 दिन की फुल गारंटी है। ये देखिए दाल पकवान तैयार हो रहा गर्मा गर्म। एक बार खाओगे बार बार खाने के लिए आओगे। देखिए प्याज डाले गर्मा गर्म कड़क दाल पकवान तैयार हुआ है। ये देखिए क्या कड़क दाल पकवान तैयार हुआ है। यदि एक बार टेस्ट करोगे बार बार खाने के लिए आओगे। दाल वह छोले की सब्जी के साथ खाइए और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट आएगा। भरत सिंह ब्लॉग यूट्यूब चैनल। ये देखिए दाल डाली है और ऊपर से छोले डालकर मिक्स बहुत ही शानदार टेस्ट बनेगा। चटनी प्याज मिर्ची वगैरह सभी साथ में है और एकदम कड़क दाल पकवान तैयार कर रहे हैं। गाइज यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि होतू नाश्ता भंडार वाले काले हनुमान मंदिर हवा महल वाली रोड वालों का दाल पकवान दाल आलू छोले की सब्जी पूड़ी वगैरह की रेसिपी का टेस्ट कैसा लगा है। कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमें मोटिवेट मिले हम आपके लिए और नए वीडियो लेके आए। आप वीडियो पूरा देखते हैं लाइक और कमेंट कम करते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे हमें मोटिवेट मिले हम आपके लिए और नए नए वीडियो लेके आए। जय श्री राम। खम्मांगनी सभी जयपुर वासियों को मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। जय श्री राम।